खबर ब्रेकिंग न्यूज यूपी से। यूपी में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पास 34 विभाग रखेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मनोरंजन कर मंत्रालय दिया गया है। उधर डिप्टी सीएम जो दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह को परिवहन तो जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला। वहीं सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्रालय, स्वतंत्र देव को जल शक्ति, बेबी रानी मौर्य को महिला विकास और संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में मंत्रालयों का बंटवारा। मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मानस, पूरी लिस्ट के बारे में बताइए, और दूसरा ये कि ये एक्सपेक्टेड लाइन्स में नहीं था जैसा माना जा रहा था, जिस तरह के अटकलें लगाई जा रही थी उससे अलग भिन्न भिन्न मंत्रालय जो हैं वो इन्हें दिए गए हैं। उम्मीद नहीं की जा रही थी, ये तो कहा जा रहा था कि कुछ बड़े जो मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो वही रहेंगे जो पिछली सरकार में थे। जैसे कि अगर हम देखें कि सुरेश खन्ना को इस बार फिर से वित्त मंत्रालय मिला और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो मंत्रालय मिला मनोरंजन कर, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम है वो, और पिछली बार उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उनके पास पिछली बार भी था और इस बार भी उनके पास है, हाँ, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है वो उनके पास इस बार नहीं है और वो जितिन प्रसाद को दिया गया। जितिन प्रसाद जो पिछली बार बेसिक शिक्षा के मंत्री बनाए गए थे, इस बार आप माफ़ कीजिएगा, जो माध्यमिक शिक्षा के मंत्री बनाए गए थे उनको इस बार आप देखिए कि उनको पीडब्ल्यूडी जैसा अहम विभाग दिया गया है। कांग्रेस से आए थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको MLC बनाया गया और उसके बाद उनको जब पिछली कार्यकाल में जब जो सबसे अंतिम विस्तार जो हुआ था चुनाव से कुछ दिन पहले ही, उसमें ही उनको मंत्री पद मिला था। लेकिन इस बार देखिए उनका कद किस तरीके से बढ़ाते हुए उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रजेश पाठक को देखिए उनको एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उनको स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे बड़े महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में पिछले दौरान किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अहम भूमिका थी, बड़े ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग वो उसको समझा जाता था और वहाँ पर उसको लेकर के पिछली बार आपने देखा होगा कई तरीके के स्वास्थ्य पर सवाल भी खड़े किए गए थे स्वास्थ्य सेवाओं पर। तो इस बार ब्रजेश पाठक को जो डिप्टी सीएम है उनको इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी को दी गई है तो ब्रजेश पाठक को दी गई है, उन पर बहुत भरोसा किया गया है। तो ये पूरी सूची देखिए, इसके अलावा आप देखिए संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उनको मत्स्य पालन जैसा विभाग दिया गया है। हालांकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट आप नहीं कह सकते उसको कि बहुत किसी अहम रोल में होता या जनता से जुड़े हुए जो विभाग होते हैं जिसमें आप सीधे आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं या आम लोगों से आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इस तरीके का कोई विभाग नहीं है। तो ये तमाम आप देखिए, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति, जो महेंद्र सिंह जो पिछली बार मंत्री थे जल शक्ति मंत्रालय उनके पास था, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया लेकिन जो विभाग दिया गया वो जल शक्ति मंत्रालय, उनको बाढ़ नियंत्रण जैसा उनको विभाग दिया गया। शंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय। तो सूची को एनालाइज करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कई पुराने कद्दावर मंत्रियों का कद जी बिल्कुल परिवहन मंत्रालय के, पिछली बार जब सरकार बनी थी योगी सरकार तो परिवहन विभाग स्वतंत्र देव सिंह के पास हुआ करता था और बाद में अशोक कटारिया जैसे बड़े नेता को दिया गया, लेकिन इस बार देखिए दयाशंकर सिंह के पास गया। तो मैं उस पूरी को सूची को जब मैं देख रहा था और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था तो ये बात एक मोटी तौर पर समझ में आती है कि पिछली बार जो बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते थे जिनका बड़ा दबदबा था मंत्रालयों में सरकार में, उनके कद को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई, उनको उतने महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए, कुछ नए चेहरों पर नए लोगों पर भरोसा किया गया और उनको बड़े अहम विभाग दिए गए। तो निश्चित तौर पर अब आप देखिए बेबी रानी मौर्य उनको महिला विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक, और ठीक, ठीक, आपको याद होगा कि पूरे अपडेट और विश्लेषण के लिए आपका मानस